Hello students, as you know that we have completed first topic of our first chapter from history part. Students, in this topic we have already read about the definition of history and the basic information about Indian history. Okay, जो हमने जो last video था हमारा इस chapter से related, उसमें हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो आज हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स. ओके, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक्जिस्ट इन वेरियस लैंग्वेजेस. वी हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द मिडविल पर्सन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सन. देखो, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में मिले हैं हमें. ठीक है, हिस्ट्री के जो भी हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं पास्ट इवेंट्स के, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, जो क्या होते हैं कि समय के साथ इनके अर्थ भी भाषा भी धीरे धीरे बदलते आ रहे हैं. जो हमें हिस्ट्री के जो भी अभिलेख है, जो भी हिस्ट्री के जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं वो कई तरह की भाषाओं में हमें मिलते हैं. ठीक है, और ये भाषाएं भी क्या है कि समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदल गई हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो जो मिडविल पीरियड है उसकी जो पर्शियन लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो आज की जो मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न जो पर्शियन लैंग्वेज है, फारसी जो भाषा, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें. ठीक है ना, डिफरेंस मतलब ग्रामेटिकल भी है उसमें और वोकैबुलरी को लेकर भी डिफरेंसेस है. और इसके साथ साथ में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनके वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं. ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है कि समय के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है उनके जो वो भी धीरे धीरे, इन्फॉर्मेशन की जो लैंग्वेजेस है या फिर उनके मीनिंग्स हैं वो भी धीरे धीरे चेंज हो गए हैं. ठीक है, लेट्स टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल. टुडे वी नो इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट. व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिन्हाज इसिरास ए क्रॉनिकलर हु वर्कड एज अ पर्सन ही मीन द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. जैसे देखिए कि एक फॉर एग्जाम्पल हम हिंदुस्तान जो वर्ड है उसको ही ले लेते हैं. आज हम इसे जो मॉडर्न जो हमारा जो नेशन है इंडिया है उस अर्थ में हम उसमें मीनिंग में लेते हैं हिंदुस्तान को. ठीक है, जो 13th जो सेंचुरी है उसमें जो पर्सन जो एक जो क्रॉनिकलर है कौन थे, मिन्हाज ए सिराज. ठीक है, कौन थे, मिन्हाज ए सिराज. इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये हिंदुस्तान जो वर्ड है इसका सबसे पहले यूज़ किया था और किसके लिए, पंजाब हरियाणा और जो गंगा यमुना जो रिवर्स है ना उनके बीच का जो एरिया है उसके लिए इस वर्ड को उन्होंने यूज़ किया था. ठीक है, और इस वर्ड का जब उन्होंने यूज़ किया था तो उसका जो पॉलिटिकल मीनिंग उन एरिया का, जो जिन एरिया के लिए ये वर्ड यूज़ किया था उनका पॉलिटिकल मीनिंग था कि दिल्ली की जो सल्तनत, जो दिल्ली की सल्तनत में वो एरिया आता था. ठीक है, पर्टिकुलर उस एरिया के लिए उस वर्ड का यूज़ किया गया था. ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का जो रीजंस बढ़ते गए, ठीक है, वैसे वैसे इसका और भी ज़्यादा आसपास के रीजंस है वो इसमें शामिल होते गए, इंक्लूड होते गए. ठीक है, देखिए, बट द दिल्ली सल्तनत द एरियाज included in this term shifted along the extent of the sultanate, but the term never included south of India. देखिए, इसमें सिर्फ इन्होंने उत्तर भारत जो नॉर्थ के जो थे जो एरिया थे उसी को इसके इनमें इंक्लूडेड माना था, लेकिन जो साउथ के जो एरिया थे उसमें इनको नहीं माना गया था. मतलब हिंदुस्तान शब्द का जो यूज़ किया गया था, हिंदुस्तान वर्ड जो यूज़ किया था वो किसके लिए किया था, पंजाब हरियाणा और गंगा जमुना ये रिवर्स का जो एरिया था और दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो आ रहा था उसी के लिए इस वर्ड का यूज़ किया गया था. बाकी साउथ के जो एरिया में इसका यूज़ नहीं किया गया था इस वर्ड का, हिंदुस्तान का जो वर्ड, ठीक है ना, इसका यूज़ नहीं किया गया था. नेक्स्ट है हमारा, कॉन्ट्रेरी टू दिस
इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज़ द टर्म हिंदुस्तान, ठीक है, मतलब 16वीं जो इसके अपोजिट किया था, जो 16 हमारी सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में जो बाबर थे उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया, कौन सा वर्ड, हिंदुस्तान, किसके लिए, सब कॉन्टिनेंट, सब, बाबर यूज़ द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के, इस जो सब कॉन्टिनेंट था उसके अंतर्गत जो जियोग्राफिकल पशु पक्षी और रहने वाले जो है उनकी कल्चरल को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया था। ओके, नाउ द विलेज हेड मैन वॉज कॉल्ड ग्रामीणी इन द अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में जो हमने 6th क्लास में भी ये पढ़ा था इसके बारे में कि जो ग्रामीणी, जो विलेज का जो हेडमैन होता था ना उसे क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था, वाइल नाउ ही केम टू बी नो एज मुकद्दम, ठीक है, अब उसे क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है। यू विल ऑल्सो नो अबाउट न्यू नेम्स फॉर ऑफिसर्स सच एज एम मिल्स, मुंसिफ, मीर, बख्शी, सेनापति, चौधरी, तहसीलदार, ठीक है, हर हर एक जो पोस्ट थी इसके नए नाम देखने को मिलते हैं। इन अर्लियर टाइम्स रूलर्स वर नोन एज राजा, निज़ाम, नवाब, एम्पेरियर एज बादशाह एंड आलम शाह, यहाँ तक कि जो राजा था उसका भी अलग अलग नाम थे राजा के भी, उसे निज़ाम कहा जाता था, नवाब भी कहा जाता था, एम्पेरियर एज बादशाह, आलम शाह, इन सब ये एक अलग नाम दिए जाते थे, ठीक है, जिसे एंड गवर्नर एज ए सूबेदार। ओके, ऑल्सो न्यू वर्ड सच एज फरगना, एक नया वर्ड जो फरगना यूज़ किया गया था, ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव का जो ग्रुप होता था विलेजेस का, उसके लिए सरकार फॉर द प्रोविंस, सरकार किसे कहा जाता था, प्रांत, प्रोविंस को कहा जाता था, एंड शिक का यूज़ किसके लिए होता था, डिस्ट्रिक्ट के लिए, विल बी सीन बींग यूज। नेक्स्ट, इन द मिडविल पीरियड फॉरनर, जो मिडविल पीरियड था ठीक है उसमें फॉरनर वर्ड जो यूज़ होता था उसे वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड, फॉरनर जैसे आज हम जो फॉरनर वर्ड है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, कि जो इंडिया से बाहर का कोई है ठीक है उसके लिए फॉरनर यूज़ करते हैं, बट उस टाइम किसका यूज़ होता था कि कोई भी गांव के बाहर का, से इन ए गिवन विलेज इन द मिडवेल पीरियड, इन द मिडवेल पीरियड ए फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन द गिवन विलेज, सम हु वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, मतलब उस गांव का, उस सोसाइटी का, समाज का, कल्चर, उस संस्कृति का जो पार्ट नहीं था, मतलब दूसरे गांव से आया है, उस सोसाइटी का नहीं है, उस समाज का नहीं है, तो उसे फॉरनर नाम किया था, विदेशी, परदेशी उसे दिया जाता था। हम तो सिर्फ इंडिया के बाहर वाले को ये नाम देते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था कि जो सिर्फ गांव से बाहर का जो होता था उसे ये नाम दिया जाता था, ठीक है। इन हिंदी द टर्म परदेशी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब, हिंदी में परदेशी यूज़ किया जाता था बाहरी पर्सन के लिए जो गाँव के बाहर का होता था, और पारसी लैंग्वेज में अजनबी यूज़ किया जाता था, ठीक है। ए सिटी ड्वेलर थ्रू आउट माइट बी रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरनियर, मतलब सिटी के बाहर का जो होता था उसे वनवासी कहा जाता, फॉरेस्ट ड्वेलर, सिटी ड्वेलर जो होता था, मतलब गांव के बाहर का जो होता था उसे वनवासी, परदेशी, इस तरह से कहा जाता। बट पीसेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर, लेकिन जो एक ही गाँव में रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग, मतलब दो किसान हैं वो एक ही गाँव में रह रहे हैं, लेकिन है दोनों अलग अलग सोसाइटी के हैं, गांव एक ही है, उनका विलेज एक ही है, बट अलग अलग सोसाइटी, कल्चर, संस्कृति अलग अलग है, कास्ट अलग है, तो फिर लेकिन हम उसे फॉरनर नहीं कहेंगे, लेकिन वो मतलब रहने वाला दूसरी जगह का हो, दूसरे विलेज का हो, तो वो फॉरनर कहते थे उसे। ओके, इवन थोर दे माइट हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, भले ही वो किसी भी कास्ट डिफरेंट का हो लेकिन एक ही गाँव का है तो वो परदेसी नहीं होता था, ठीक है। नाउ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री इज़ द ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग टाइप्स, हिस्ट्री को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है जिसमें स्टडी ऑफ किंग, क्वीन, लीडर्स एंड द गवर्नमेंट, ओके, इकोनॉमिक स्टडी है जिसमें ट्रेड है, कॉमर्स के रिगार्डिंग है, और जिसे और कंट्री और रीजन के रिगार्डिंग पढ़ा जाता है, आर्ट हिस्ट्री जिसमें एंशियंट जो बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर है, म्यूजिक है, डांस ट्रेडिशंस है, और सोशल हिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, सोशल जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस हो गए, बिलीव्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, ठीक है, इनके बारे में। हियर शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑल टाइप ऑफ हिस्ट्री, पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, आर्ट, सोशल, आर इंटरडिपेंडेंट,
इंटरडिपेंडेंट, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एनी वन एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री इन आइसोलेशन। ठीक है, ये सारी तरह की जो भी हिस्ट्री थी वो एक दूसरे से क्या थी, इंटरकनेक्ट थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई, इसलिए पॉसिबल नहीं था एक किसी भी एक भाग को छोड़ देना। कि जो सोशल थी वो इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई थी, इकोनॉमी वो पॉलिटिकल से भी अटैच थी, ठीक है, और सोशल थी वो आर्ट से भी अटैच थी, तो अलग अलग पढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं था इन चीज़ों को। हर चीज़ ही क्या एक दूसरे से क्या थी, रिलेटेड थी। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एंड आर्ट हिस्ट्रीज टू स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री, मतलब पॉलिटिकल पढ़ना है तो उसको जैसे पॉलिटिकल और आर्ट हिस्ट्री मिक्स मिली हुई है, पढ़ने के लिए सोशल और इकोनॉमिक भी पढ़नी पड़ेगी। इस तरह से सारी क्या थी, ये इंटर डिपेंडेंट थी। द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अनलाइक द अर्लियर पीरियड मैनी बुक्स रिटन इन द मिडविल पीरियड। हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, ठीक है, हमारी हिस्ट्री का जो पीरियड है हमारा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखी गई इन द मिडविल पीरियड आर स्टिल अवेलेबल, जो अभी भी अवेलेबल है, और बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, मतलब जो एज ए रिकॉर्ड्स हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, जो अभी भी मौजूद हैं। मैनी थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियड आर स्टिल प्रिवेंट टूडे, फॉर एग्जाम्पल द टेस्टी बिरयानी एंड द यम्मी कबाब्स। अराइवल ऑफ मुस्लिम इन इंडिया रिजल्टेड इन टू अ लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन। कि उस समय जो मुगल आए थे उस समय बहुत सारे मुस्लिम कास्ट थी, तो बहुत उसी समय मुस्लिम जो थे मर्ज हो गए थे किसमें, हमारी इंडियन जो हमारी पॉपुलेशन में। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन चेंजिंग द वेज ऑफ द नेशन इन सिग्निफिकेंट मैनर। उनके साथ साथ भी भाई हैं हमारे नेशन में, जैसे उनके जो कस्टम्स थे, बहुत सारे रीति रिवाज है, उनका वर्ड्स वोकैबुलरी जो है, उनके जो कस्टम्स हो गए, उनके रीति रिवाज, जो उनके फेस्टिवल्स जो हो गए, लाइक ईद उल फितर है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ रिलीजियस हॉलीडे माना जाता है हमारे यहाँ। और इसके अलावा सेवरल वर्ड्स है, जैसे कागजात, पेपर्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वर्ड कागजात, जवाहरात, मुफ्त खोर, फ्री ईटर जिसे कहते हैं, ये सब क्या है, उसी समय आए हुए हैं मुस्लिम्स के साथ ही। सूफी म्यूज़िक, ये भी एक ऑल्सो ए गिफ्ट ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, तो इनके साथ साथ मतलब कोई भी कास्ट यदि रिलेट कर रही है किसी कंट्री में, मर्ज कर रही है, तो उसके साथ साथ उसके बहुत सारी डिफरेंट, उसकी जैसे इकोनॉमिक लाइफ है, उनकी पॉलिटिकल, सोशल या कल्चर लाइफ है, उनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आज थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिया है कि स्टडी जो है, जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री कौन कौन से टाइप की होती है। जो हिस्ट्री है, आर्ट हिस्ट्री है, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, सोशल हिस्ट्री है, और इसके अलावा फॉरेनर वर्ड है जो जिसका उस समय क्या यूज़ मीनिंग था, और आज जो है मॉडर्न लाइफ हमारी क्या मीनिंग है फॉरेनर वर्ड का। ठीक है, ये सब हमने रीड किया है। इसका थोड़ा जो और कुछ पार्ट रिमेनिंग है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर्स या नोट्स होंगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।